सारा मेरा परिवार ख़त्म कर दिया। देखो वो लड़की के साथ रेप हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुई, बेचारी उसकी माँ रो रही है। न्याय के लिए उनको फांसी होना चाहिए, जिस लड़की के साथ रेप किया है उस उन सारे लोगों को फांसी होना चाहिए। कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन की जब शुरुआत की और महिलाओं को टिकट दिया तो एक सीट से सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, वो सीट उन्नाव की थी। उन्नाव रेप विक्टिम जो है कुलदीप सेंगर वाले केस में जो विक्टिम थी उनकी मदर जो है आशा देवी, उनको प्रियंका गांधी वाड्रा ने टिकट दिया, तो इसकी बड़ी चर्चा हुई, बड़ा इसका हल्ला हुआ। तो आज जब हम उन्नाव में थे तो हमने सोचा कि इनसे बात की जाए, इनसे जाना जाए कि आखिर कैसे इन्होंने सोचा कि राजनीति में आना है और इनका क्या साइड है। नमस्ते आशा जी, कैसे मतलब प्रियंका से जब आपकी बात हुई कैसे आपने सोचा कि चुनाव में आप लड़ना है? प्रियंका दीदी ने हमको टिकट दिया, उनको हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोल कहती हूँ। प्रियंका दीदी ने मेरा बहुत साथ दिया, मदद किया, जब तक मेरी लड़की मेरे घर में अफसा हुआ था, मातम मेरी लड़की के साथ रेप हुआ था, सब तक मेरे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका दीदी ने मेरी मदद कर रही हैं, एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसी उन्होंने आपको बुलाया था और कहाँ बुलाया था, क्या बोला था? हमको दीदी ने बुलाया नहीं, हम दीदी के पास बहुत दिन से मिलने जुलने जाते थे। अच्छा। दीदी हमारे पास आती थी, हम उनके पास खुद मिलने जाते थे। अच्छा। हाँ तो दीदी बोली चुनाव लड़ोगी, तो हम कहा दीदी हम कोनो राजनीति घर की नहीं है और न राजनीति करते हैं। बोली हाँ। एक बार चुनाव लड़ो, हम तुमको मौका दे रहे हैं। हाँ मौका देंगे। ऐसे भी इतना लड़ाई करते 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 इतना यूज़ तो हम तो आपने पहली बार में ही हाँ बोल दिया, जैसे ही उन्होंने कहा कि हम आपको टिकट देंगे लड़ने, आपको लगा नहीं कि कैसे करेंगे ये? नहीं हमको लगा नहीं, हमने कहा जब दीदी हमका लड़ा रही हैं तो हम लड़ेंगे भाई, हाँ भाई वो चाहे जितना पैसा वाला सिंगर होए पर उसका मोर्चा तो हम लेंगे जरूर। तो आपको क्या लगता है चुनाव लड़के आप क्या ऐसा करेंगी? अरे चुनाव लड़ेंगे मतलब जितनी महिलाओं का साथे रेप होता है उसको हम वो न्याय दिलाएंगे और सप्तन जाएंगे, सप्तन मदद करेंगे, सब बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। आज भी गई थी वो दूसरा जो केस हुआ ना एक और। अच्छा, आज भी हाँ। कल भी गई थी आज। आप इनकी बेटी हैं? मैं नहीं, मैं आई हूँ दिल्ली से। अच्छा अच्छा, आप इनके साथ कैंपेनिंग कर रही हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप जो हैं जो काम कर रही हैं न्याय दिलाने की बात कर रही हैं वो बात अलग है, लेकिन राजनीति बहुत अलग चीज़ है। राजनीति चाहे जितना अलग चीज़ हो, जब हम राजनीति मानी राजनीति घर की नहीं है न राजनीति करित है, पर जब उतरे है चुनाव में तो अब तो हटेंगे नहीं, अब तो लड़ाई अपनी लड़ेंगे। इतना संघर्ष झेले हैं, झेले के बाद फिर भी मौका मिला तो उसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, मान लीजिए अगर आप नहीं जीत पाती तो आपको बुरा नहीं लगेगा? नहीं बुरा नहीं लगेगा, एक बार हारेंगे दो बार हारेंगे तीसरे में तो जीतेंगे, तीसरे में तो जीतेंगे। हाँ लोगों के बीच आप जा रही हैं, अभी भी आप कैंपेन करके आ रही है ना, प्रचार करके हाँ। वापस आ रही है, क्या कहते हैं लोग? लोग क्या कहते हैं? कहते हैं मदद करेंगे, वोट देंगे तुमको, देंगे। हाँ कहते हैं। ऐसे डर नहीं लगा कि इतना बड़ा परिवार है जो आपके ऑपोजिट है, वो भी बहुत दबदबा है इनका इस इलाके में, तो आपको ऐसे लगा नहीं कि इनके अगेंस्ट चुनाव को झेलन दीदी? अब कहे बड़े डरे हुए, अब तो झेलत चली आ रहे हैं, जब तक का झेलक पड़ी जब तक का झेलब, ये तो मौका है तो लड़ेंगे भाई, मौका है तो लड़ेंगे। अच्छा आप अपने बारे में बताइए कि कितना पढ़ाई करी है? मैम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा परिवार सारा कुलदीप सेंगर ने देखो मेरे पति को पहले मारा, फिर मेरे घर में एक्सीडेंट करा दिया गया, मेरा सारा परिवार खो गया, सब किते रही काम सब परे है, मैम किसी का काम तेरा ही नहीं हुए, चार चार लोग मेरे घर में तेरा ही रहे परे हैं मैम, मेरे देवर को अंदर करवा दिया झूठी झूठी मुकदमे। ये सरकार में हमको न्याय नहीं मिली है, सही दूसरी सरकार चुनी जाए सही तो उस सरकार में हमको न्याय मिले, होगी कि सरकार में हमका कहाँ न्याय मिला, होगी तो हत्यारे होगी हैं, सारा मेरा परिवार ख़त्म कर दिया। देखो वो लड़की के साथ रेप हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुई, बेचारी उसकी माँ रो रही है, न्याय के लिए उनको फांसी होना चाहिए, जिस लड़की के साथ रेप किया है उस उन सारे लोगों को फांसी होना चाहिए, उन सारे लोगों
को फांसी होना चाहिए। ठीक है, आप क्या कभी स्कूल नहीं गई, कभी आपने पढ़ाई नहीं करी? नहीं, हम कभी नहीं पढ़ाई किया ना कभी स्कूल गए। मैम जीतेंगे तो सारी लड़कियों को न्याय दिलाएंगे और वो स्कूल भी बनवाएंगे बच्चों के लिए और अस्पताल भी खुलवाएंगे महिलाओं के लिए और ये बस चलवाएंगे महिलाओं के लिए। अगर जीत होगी महिलाओं के लिए, मतलब आप काम करेंगे जब महिलाओं के लिए सारा काम करेंगे, बच्चों के लिए स्कूल कराएंगे। जब जब आपने अपने घर पर बताया कि ऐसे ऐसे प्रियंका दीदी कह रही है चुनाव लड़ने को, तो सब मान गए, सब ने कहा कि हाँ चुनाव, किसी ने मना नहीं किया? मेरे घर में कोई है ही नहीं, सबसे बड़े गार्जियन हम ही हैं मैम, तो नहीं मेरे बच्चों सब साथ हैं, तो बोले जब प्रियंका दीदी मौका दे रही हैं तो चलो लड़ाई लड़ लेंगे, मम्मी खड़ी हो जाओ मम्मी, बोला बच्चों? हाँ बच्चे ने बोले, मेरे साथ दिया बच्चों ने? बच्चों ने मेरे साथ दिया। आप बेटी हैं इनकी? अच्छा, बेटी कितने साल की है? ये बेटी मेरी 14 साल की है। पढ़ाई करती है? हाँ पढ़ाई कर रही है। बेटी ने क्या कहा कि मम्मी जाओ चुनाव लड़ो? हाँ मम्मी जाओ चुनाव लड़ो, सब लोग मिलके बोली, हमारी 4 लड़कियाँ हैं, 5 लड़कियाँ एक बेटा है, बोला चलो बच्चा मेरा बड़ा छोटा है पर बेटी मेरी बोली चुनाव लड़ो मम्मी कोई बात नहीं। आशा जी, चुनाव लड़ने में पैसा भी खर्चा हो रहा होगा, प्रचार विचार करने जाती हैं, कुछ ये भी लगता होगा, आर्थिक सहायता कौन दे रहा है, कौन मदद कर रहा है? नहीं, मेरी प्रियंका दीदी ने बोला तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपको टिकट देकर ना कांग्रेस अपना फ़ायदा करना चाहती है, आपके नाम पर ऐसे खेल कर, कांग्रेस भावनाओं के साथ खेल कर, क्योंकि उनको तो पता है कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेंगे, तो कम से कम इसी तरह भावनाओं को भुना ले, आपको क्या लगता है इस बात पर? नहीं, हमको भरोसा है कांग्रेस जीतेगी। आपको भरोसा? हाँ हमको भरोसा है कि मेरी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, होगी हटाया जाए कांग्रेस लाई जाए। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये आशा सिंह जी थी, ये उन्नाव रेप विक्टिम की मदर हैं, कांग्रेस ने इनको उन्नाव से टिकट दी है, ये यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, अभी ये प्रचार करके लौट रही थी, हमें पता चला ये इसी रास्ते से लौट रही हैं, तो हमने सोचा ज़रा रुक कर बात की जाए। इस पूरी बातचीत को कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे साथी पंकज, मेरा नाम है सोनल, उन्नाव से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे।